नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवर। दिल्ली में अगर बात की जाए कोरोना की, तो एक बार फिर से मामलों में तेजी दिखाई दी है। नए मामले हर दिन बीते कई दिनों से 100 से ज्यादा दर्ज हो रहे हैं और इस बात को लेकर अब फिर से चिंता होने लगी है कि क्या दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, क्या फिर से कोरोना की दहशत दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बीते 3 दिनों के आंकड़े दिखाएं तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से कोरोना का ग्राफ जो है तेजी से राजधानी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 अप्रैल को दिल्ली में 160 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 1.55% थी। 10 अप्रैल को ये मामले 141 दर्ज हुए और संक्रमण दर 1.29%। वहीं अगर 11 अप्रैल की बात करें तो 137 मामले नए सामने आए थे कोरोना के और 2.70 संक्रमण दर पहुंच गई। दिल्ली में 11 अप्रैल को संक्रमण दर 2.70 पर पहुंच गई। आपको बता दें कि बीते 2 महीनों में ये सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली के अंदर दर्ज हुआ। इससे पहले 5 फरवरी को दिल्ली में जो कोविड का पॉजिटिविटी रेट था वो 2.89% था। अब एक बार फिर से कोविड के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहे तो फिर से प्रतिबंध लग जाएगा चीजों पर, फिर से लॉकडाउन लगेगा दिल्ली में। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल पूछा गया कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सरकार क्या कुछ सोच रही है, तो उस पर क्या जवाब दिया है केजरीवाल ने, वो आपको सुनवाते हैं। उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, अगर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत होगी अगर कोई भी, तो हम सारे स्टेप्स उठाएंगे। अभी घबराने की कोई खास बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर केसेस बढ़े तो फिर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसलिए आपको भी हम यही अपील करते हैं कि बेशक अभी जो मास्क लगाने पर जुर्माना लगता था वो अब नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखिए। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क चेहरे पर जरूर लगाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। दिल्ली NCR की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।